ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हिंदू धर्म के तीन स्तंभ जिनकी शक्ति से ये पूरा संसार चलता है। ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जो इस जगत के पालनहार हैं, और महेश जो सब कुछ खत्म कर सकते हैं। हमारे पुराणों में त्रिदेव के इस संगम को बहुत पवित्र माना जाता है, और इसी पवित्रता का प्रतीक है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे बसा एक अनोखा मंदिर। एक मंदिर जहां का सबसे बड़ा राज है यहां का शिवलिंग, जो धरती के ऊपर नहीं बल्कि धरती के अंदर है। एक अकेला ऐसा मंदिर जहां की जाने वाली एक खास पूजा से उन आत्माओं को शांति मिलती है जिनकी मौत अचानक किसी दुर्घटना से हुई या किसी नाग की हत्या हो गई। गरुड़ पुराण में बताई गई ये पूजा है नारायण नागबलि पूजा, और वो मंदिर है त्रियंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। सदियों पहले ब्रह्मागिरी पर्वत के बीच एक आश्रम बसा हुआ था जहां बहुत से ऋषि मुनि वास करते थे। एक बार वहां भयंकर अकाल पड़ा। हर जीव पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगा। इस पीड़ा से दुखी होकर गौतम ऋषि ने जल के देवता वरुण देव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव ने उन्हें एक ऐसा कुंड भेंट किया जिसमें जल कभी खत्म नहीं होता था। गौतम ऋषि इस कुंड के जल का इस्तेमाल सभी जीवों की सहायता के लिए करने लगे। लेकिन जैसे जैसे इस कुंड और गौतम ऋषि की प्रसिद्धि बढ़ने लगी, आश्रम के दूसरे ऋषियों को इस बात से जलन होने लगी, और उन्होंने ऋषि गौतम को नीचा दिखाने का निर्णय लिया। ऐसा करने के लिए उन्होंने गणेश जी की आराधना की। जब गणेश जी प्रकट हुए तो ऋषियों ने गौतम ऋषि को नीचा दिखाने की इच्छा जताई। इस पर गणेश जी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि ये गलत है, ऋषि गौतम तो सिर्फ अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब वो सारे ऋषि नहीं माने तो मजबूर होकर गणेश जी ने एक कमजोर गाय का रूप लिया और ऋषि गौतम के पास पहुंचे। गौ माता की ऐसी हालत देखकर ऋषि गौतम ने उन्हें चारा प्रदान किया, लेकिन जैसे ही उस गाय ने चारे को मुंह लगाया उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के होते ही सभी ऋषि बाहर आ गए और उन्होंने ऋषि गौतम पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। सभी ऋषियों ने मिलकर ऋषि गौतम और देवी अहिल्या पर पत्थर फेंक कर उन्हें आश्रम छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। गौतम ऋषि इस घटना के कारण बहुत दुखी हुए। अपने इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए वे शिव जी की तपस्या में लीन हो गए। आखिरकार शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए, तब उन्होंने महादेव के सामने गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने की इच्छा रखी। शिव जी पहले से ही सब कुछ जानते थे। उन्होंने ऋषि गौतम को बता दिया कि ये सब बाकी ऋषियों की एक चाल थी, पर क्रोधित होने की बजाय ऋषि गौतम खुश हो गए क्योंकि इसी चाल के कारण उन्हें महादेव के दर्शन प्राप्त हुए थे। और तब ऋषि गौतम ने सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि सारी धरती के जीवों के उद्धार के लिए शिव जी से प्रार्थना की कि वो देवी गंगा को धरती पर प्रकट करें। शिव जी की आज्ञा से देवी गंगा प्रकट हुई और गौतम ऋषि को उनके सभी पापों से मुक्त कर दिया, लेकिन धरती पर रुकने से इनकार कर दिया। गंगा जी ने कहा कि उनका वास वही है जहां शिव जी का वास है, और इसीलिए गौतम ऋषि ने शिव जी से देवी गंगा के साथ रुकने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने स्थल पर निवास करना स्वीकार किया और देवी गंगा ने भी अपना स्थान ग्रहण किया, और इसी तरह त्र्यंबकेश्वर मंदिर का जन्म हुआ जहां शिव जी का ज्योतिर्लिंग दक्षिण गंगा यानी गोदावरी के किनारे स्थापित है। हर साल लाखों भक्त यहां अपने पापों से मुक्ति के लिए आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक होने के कारण यह मंदिर हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात है इसमें स्थापित शिवलिंग। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में बसा अद्भुत शिवलिंग दुनिया का अकेला ऐसा शिवलिंग है जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर एक छोटी सी कैविटी में स्थापित है। मंदिर के गर्भगृह के बीचों बीच एक खोखली जगह है जिसमें 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं, और हर शिवलिंग का एक रूप है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव जी का। और यही कारण है कि इस शिवलिंग का नाम त्र्यंबकेश्वर है। त्रिम्बक का अर्थ होता है 3 भगवान यानी त्रिदेव के संगम का प्रतीक। सिर्फ यही नहीं, इस शिवलिंग से कई प्रकार के सिंबलिज्म जुड़े हुए हैं। शिवलिंग की 3 आंखें सूर्य, चंद्र और अग्नि को सिंबलाइज करती हैं, और इस शिवलिंग की पूजा केवल एक देवता नहीं बल्कि एक साथ 3 देवताओं यानी त्रिदेव की पूजा के समान होती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस मंदिर में दर्शन करने आता है
वो त्रिदेव के आशीर्वाद से इस संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है जब गंगा जी यहाँ प्रकट हुई थी तो उनका बहाव इतना तेज था कि कोई भी उनके पास नहीं जा पाता था, और इसीलिए ऋषि गौतम ने उनके बहाव को थोड़ा धीमा करने के लिए नदी के किनारे कुशा नाम की एक घास लगाई। इस जगह को कुशावर्त कुंड के नाम से जाना जाता है, जो इस मंदिर में दक्षिण गंगा यानी गोदावरी का प्रतीक है। कुशावर्त कुंड के जल में एक बार स्नान करने के बाद इंसान के सभी दुष्कर्म धुल जाते हैं। अपने महत्व और पवित्रता में प्रधान ये मंदिर कई बार हमलों का शिकार हुआ, जहां हर एक बाहरी ताकत ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की। 1690 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने पूरे भारत में तबाही मचाई हुई थी। ये मंदिर भी उसके बुरे इरादों से नहीं बच पाया। औरंगजेब की सेना ने मंदिर पर हमला कर उसे तहस नहस कर दिया, और फिर इसी जमीन पर एक मस्जिद का निर्माण हुआ। ऐसा पहली बार नहीं था कि किसी मुगल शासक ने भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो। अगर आप ऐसे बेरहम मुगल शासकों के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो देखिए। इस आक्रमण ने मंदिर पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा, लेकिन इस अंधकार के समय रोशनी बनकर सामने आए बालाजी बाजीराव भट्ट, जिन्होंने फिर से इस मंदिर को स्थापित किया। 18वीं सदी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उनके बेटे बालाजी बाजीराव भट्ट को पेशवा का पद सौंपा गया। पेशवा ने वहां से मस्जिद को तुड़वा कर फिर से मंदिर का निर्माण करवाया, और इसी तरह त्र्यंबकेश्वर मंदिर फिर से अपने प्राचीन प्रतिष्ठा पर पहुंच गया। आज ये मंदिर एक ऐसे स्थल का प्रतीक है जहां विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और शिव भक्ति की यात्राएं होती हैं। काले पत्थर से बने इस मंदिर की दीवारों पर कई खूबसूरत नक्काशियां की गई हैं। मंदिर का गर्भगृह भक्तों को पवित्रता का अनुभव कराता है और एक आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में कई सारी अलग अलग तरीके की पूजा होती है, जिनके पीछे अलग अलग उद्देश्य होते हैं। कई सारे रिचुअल्स हैं जो लोग अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए करते हैं, लेकिन त्र्यंबकेश्वर मंदिर में एक ऐसी पूजा होती है जो सबसे अलग और इस मंदिर के सभी रिचुअल्स में सबसे प्रमुख है, नारायण नागबली पूजा। इस पूजा का महत्व गरुड़ पुराण में भी बताया गया है। ये एक वैदिक रिचुअल है जो पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। 3 दिनों तक चलने वाली इस पूजा को 2 भागों में बांटा जाता है, नारायण बलि और नाग बलि। ये दोनों पूजा 2 अलग अलग कारणों के लिए की जाती है। नारायण बलि पूजा ऐसे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए की जाती है जिनकी मौत किसी अननेचुरल तरीके से या एक्सीडेंट के कारण हुई हो। इस रिचुअल का पहला दिन इसी पूजा को समर्पित होता है। नारायण बलि पूजा में एक आटे की गुड़िया बनाई जाती है और फिर मंत्र उच्चारण करके पूर्वजों की आत्मा को जगाया जाता है। ऐसा माना जाता है वो आत्मा इस आटे की गुड़िया में आकर बस जाती है, जिसके बाद इस गुड़िया को अग्नि में समर्पित कर दिया जाता है और त्रिदेव के साथ यमराज और प्रेत को भी ऑफरिंग्स दी जाती हैं। इस रिचुअल का दूसरा भाग है नाग बलि पूजा। दूसरे दिन की जाने वाली ये पूजा नाग हत्या के पाप से मुक्ति के लिए की जाती है। इस पूजा में आटे का एक नाग बनाया जाता है और फिर नाग की आत्मा की शांति और उसके अंतिम संस्कार के लिए पूजा की जाती है। आखिर में तीसरे दिन गणेश पूजन से इसकी समाप्ति होती है। इन रिचुअल्स के अलावा एक और चीज है जो इस मंदिर को खास बनाती है, सिंहस्थ यानी कुंभ का मेला। सिंहस्थ का आयोजन भारत में 4 जगहों पर होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नाशिक। नाशिक में हर 12 साल में त्र्यंबकेश्वर मंदिर के परिसर में सिंहस्थ की व्यवस्था की जाती है, और इसीलिए इस मेले को नाशिक त्रिम्बक कुंभ मेले के नाम से जाना जाता है। इस दौरान लाखों भक्तों की भीड़ यहां आकर्षित होती है, जो भगवान शिव की आराधना कर गोदावरी के पवित्र जल में स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। तो ये थी कहानी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक त्र्यंबकेश्वर महादेव की। इस मंदिर के अलावा एक और मंदिर ऐसा है जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे ऊंचाई पर बसा मंदिर माना जाता है। सुंदरता और भक्ति का एक यूनिक कॉम्बिनेशन, केदारनाथ मंदिर। अगर आप इस मंदिर के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो जरूर देखिएगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही अनकही, अनसुनी और अनदेखी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।